अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू समरीन एंड इमरान्स किचन। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सबसे बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर पे रेडी किया जा सकता है। तो आज के बाद से इसे खाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए फटाफट हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन बर्गर की सॉस रेडी करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने 4 टेबल स्पून मेयोनीज लेंगे, 3 टेबल स्पून केचप, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून शुगर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले लीजिए। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम ग्रेटेड कुकुम्बर को इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो रेडिश कुकुम्बर कैरेट में से किसी को भी इस सॉस में ऐड कर सकते हैं, इससे सॉस का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो देखिए फटाफट बहुत ही यम्मी सी डिलीशियस सी बर्गर सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब हमें चिकन पैटीज बनाना है, और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए आपसे बताते हैं। मैंने 1/2 किलो चिकन कीमा लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और ग्राइंड करके रख लिया, ताकि चिकन पैटीज हमारी बहुत आसानी से बन जाए। सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून कुटी हुई रेड चिली, 1.5 टीस्पून सोया सॉस और 1.5 टीस्पून विनेगर। और अब हम 1/2 कप ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे। हाफ कप फाइन चॉप्ड अनियन, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 5 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन पैटीज बनाने के लिए चिकन में सभी मसाले पड़ चुके हैं, तो अब हम फटाफट चिकन पैटीज को भी रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे, और फिर ब्रेड क्रम्स में हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसी तरह से हम सभी चिकन कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमने इन्हें रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई पैन हमारा हॉट है, तो अब हम ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, और मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। बीच बीच हम इन्हें टर्न करते रहेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और जले भी नहीं। तो चिकन कटलेट्स बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब हम हीट को टर्न ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बन लिया हुआ है, और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और ऑयल मैं नहीं ऐड कर रही हूं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से करने से बंस और भी सॉफ्ट हो जाते हैं और वार्म हो जाते हैं, और जिससे खाने में ये और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाते हैं।
तो अब हमने जो सॉस रेडी करी थी वो हम बन में स्प्रेड कर देंगे। और फिर इस तरह से लेटस रख देंगे, साथ ही साथ अनियन की स्लाइसेस ऐड कर देंगे। आप अपनी चॉइस से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने वन स्लाइस चीज का लिया हुआ है और अब हम इसे हॉट चिकन कटलेट्स पर रख देंगे इस तरह से। इस तरह से ये मेल्टेड हो जाएगा और ये बर्गर को और भी डिलीशियस बना देगा। अब इसके ऊपर वन टमाटो स्लाइस, अनियन स्लाइसेस और लेटस रख के इसको हम बन से कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी तैयार हुआ है। आप जरूर से इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो सी यू एट न्यू रेसिपी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।